कामानुगा और तत्त्व भाव इच्छात्मिका संभोगी चमाई तत्त्व भाव इच्छात्मिका फर्स्ट व्हाट संभोग इच्छामयी दैट इज कामात्मिका नहीं पहले वाला संभोग इच्छामयी ललिता विशाखा इत्यादि ये सब हैं राधा जी के क्या वो सखियां हैं ये लोग हैं संभोग इच्छामयी कामात्मिका भक्ति और रूप मंजरी और जितनी मंजरियां हैं वेदे तत्त्व इच्छा भावमयी इच्छात्मिका भावमयी है दोनों में कुछ पार्थक्य है जीव की ओ संभोग आत्मिका भक्ति में अधिकार नहीं केवल मात्र तत्त्व इच्छा भावात्मिका में ही अधिकार है और जीवों के लिए ये सर्वोत्तम है यही महाप्रभु जी ने दिख रहा है जानवा यू शुड कम एंड डू एनी कीर्तन गुड कीर्तन दैट आई लाइक कम कम नियर Param Gurudev's biography, there you wrote that the Sambhogi Chamai is for Swatantra Nayika, like in Param Gurudev's biography, there you wrote that the Sambhogi Chamai is for the Swatantra Nayika, like Radhika, Chandravali, yes, Shamala. I told you. And then the Tatadbhav Ichamai, five types. And the Lalita Vishaka in this Tatadbhav Ichamai. And then five types of Sakis, Prinama Saki, Nitya Saki, and everything in the Tatadbhav. And then Ram Saki and Nitya Saki, the guidance of Rup Manjari, they are in Tatadbhav Ichamai. In Ram Gurudev's biography, there you wrote five types of Sakis in Tatadbhav Ichamai. It is okay. This is reconciled. Select one kirtan. After that.
रामानंद जी ने कांता भाव के लिए दो श्लोक दिया उदाहरण के लिए। पहला श्रीमद् भागवत दशम स्कंध 47 अध्याय से, नायं सियोंग उ नितांतरते प्रसाद सर्जोषिता नलिन गंधरुचां कुतो अन्या रासोत्सवे अस्य भुज दंड गृहीत कंठ लब्धाशीषां जौद्गात ब्रज सुंदरी नायं सियो तांतरते प्रसाद। वृंदावन में रासोत्सव में कृष्ण ने गोपियों के राज के समय में अपने हाथों से उनके गले में हाथ डाल दिया, ये गोपियां कहीं चली ना बिछड़ न जाए, इस डर से स्वयं लोगों के गले में हाथ डालकर एक एक गोपी के साथ में एक एक कृष्ण बनकर नित्य का आस्वादन किया। ऐसा सर्जोषितान नलिन गंध रुचान कुतो अन्ना नायं सियो
अपने बाम अंग पर विराजित लक्ष्मी जी के लिए ये संभव पर नहीं हुआ, ऐसा प्रसाद नहीं किया, वो तो चरण सेवा में ही रहती हैं, उनके गले में हाथ डालकर नृत्य किया हो और कहीं तुम चली न जाओ तो मैं कैसे प्राण धारण करूंगा, ये भावना नहीं है। किंतु गोपियों के लिए, कृष्ण की ब्रजरमणियों के लिए इतनी उनकी कृपा है कि अपने हाथों से गले में डाल करके नलिन गंध, जब लक्ष्मी जी की ही ऐसी, लक्ष्मी के प्रति ही ऐसी नहीं यदि कृपा है तो स्वर्ग में रहने वाली जो वामन देव इत्यादि की जो शक्तियां हैं, नलिन गंधा या पद्म गंधा, उनके शरीर से पद्म की गंध, कमल की गंध आती है, उन लोगों की तो बात ही क्या, और तब संसार की और स्त्रियों की तो बात ही क्या। इसलिए गोपियों के ऊपर में, ब्रजरमणियों के ऊपर में उनकी विशेष कृपा है, ऐसा कहीं नहीं देखा जाता। तासाम आविर्भूत सौरी, इसका हमने वर्णन किया, तासाम आविर्भूत सौरी, कब की बात, तासाम आविर्भूत सौरी, जब कृष्ण ने पूर्णिमा के दिन बंसी बजाई और सब गोपियां अलक्षित रूप में उनके पास में उपस्थित हो गईं और कृष्ण ने ठठोली करते हुए उन्हें घर लौट जाने के लिए कहा, पतियों की सेवा के लिए कहा, तो वो उसका उत्तर दिया, पहले गुरु की सेवा तब इसके बाद में पति की सेवा, और कृष्ण इसका उत्तर न दे सके, रास आरंभ हुआ। उसमें प्रत्येक गोपियों के साथ में कृष्ण नृत्य करने लगे, राधा जी के साथ भी, राधा जी को मान हो गया और उनको अपने सौभाग्य का मद हुआ। सौभाग्य का मद माने वो देख रही हैं ये कृष्ण हमारे साथ ही नृत्य कर रहे हैं और किसी को नहीं, इसलिए उनको मद हो गया, अभिमान हो गया, और राधिका को देखा जो उनके साथ नहीं हमारे साथ भी, इसलिए उनको मान हो गया। इसलिए राधिका जी का मान प्रसादन करने के लिए और उनका मान, उनका सौभाग्य मद चूर्ण करने के लिए कृष्ण रास से अंतर ध्यान हो गए। तब गोपियां जमुना पुलिन में आकर के विलाप करने लगी, वो भी सुस्वर से विलाप करने लगे, तो उस समय में कृष्ण उनके विलाप को सह करके रह नहीं सके, उसी भूमि में वो प्रकट हो गए। कैसे, तासाम आविर्भूत सौरी, सौरी माने वसुदेव, सूर के वंशज, सूरसेन के पुत्र सौरी। यादव लोग बड़े कड़े कठोर स्वभाव के होते हैं, ये कठोर क्यों कहा, राश में इनके, इनको सब कुछ छोड़ करके इनके लिए आई और उनको छोड़ करके ये अंतर ध्यान हो गए, इसलिए वो कठोर हैं, इसलिए वो समझ रहे हैं कि हमको ये कठोर समझती होंगी, इसलिए थोड़े से लज्जित हुए, गले में पीताम्बर को डाले हुए जैसे दांतों तले तृण धारण करते हैं वैसे धारण करते हुए, पीताम्बर धर सर्व साक्षात मनमत, मनमत साक्षात मनमत, मनमत के रूप में वहां पर प्रकट। ये किस लिए श्लोक दिया, इसका ये तात्पर्य है गोपियों के अतिरिक्त कहीं ऐसा मनमत स्वरूप प्रकट नहीं होता, इसलिए गोपियों की, ब्रजरमणियों की रति में, प्रेम में सबसे सर्व उत्कृष्ट ये गोपियां। और भी एक श्लोक दिया, यथोत्तरम असौ स्वाद विशेष उल्लासमयपि रति वासनाया स्वाद्य भासते क्वापि क्वचित्।
उल्लासमय रति, गोपियों की उल्लासमय रति, उत्तरोत्तर स्वाद विशेष, उसमें अधिक से और अधिक, उससे भी अधिक, उससे अधिक वो बढ़ती जाती है, वो कभी भी दमती नहीं, वो उनकी सेवा बढ़ती जाती है और कृष्ण का धर्म में आस्वादन बढ़ता जाता है और दोनों में हुड़ा हुड़ी लग जाता है। सेवा के द्वारा वो प्रसन्न करना चाहिए और कृष्ण उतने ही प्रसन्न होते जाते हैं, दोनों बढ़ते जाते हैं। एरति स्थल विशेष है, वासना क्रम है, परम आस्वादन विशेष हो या मधुर रस रूप ये परिणत होता है, वही उल्लास में रहती, ये मधुर रस कहलाते हैं। कृष्णदास कवराज कहते हैं, अतएव मधुर रस को ही तारना, स्वकिया पारखिया रूपे द्विविध संस्थान, पारखिया भावे अति रसेर उल्लास, ब्रज बिना यहाँ नत्र नहीं बार, ब्रज वधु गनेर ए भाव निरवधि, तार मध्य राधार भाव अवधि, प्रौढ़ निर्मल भाव प्रेम सर्वोत्तम। कृष्ण माधुर जस आस्वादक, अत से ही भाव अंगीकार करी, साधले ने नीचे बंछा गुरु है। इसलिए उल्लासमय रति गोपियों की है, इसलिए गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति सर्वोत्तम है, यही राय रामानंद जी बतला रहे हैं। और भी नपार हम निरवद्ध संजुजा कहे हैं, इसका हम कल और विशेष उसमें व्याख्या करेंगे। आज यहीं तक हम लोगों का प्रवचन समाप्त होता है। कल का प्रोग्राम क्या है? तीर्थ महाराज नहीं है, कल तो विश्राम यहीं पर रहेगा, हरि कथा होगी, वन महाराज इत्यादि हरि कथा कहेंगे, है ना? रसानंद कहाँ है? रसानंद को देखते हैं, रसानंद प्रेमानंद में मिल गया है, दोनों आनंद है, दोनों सायुज्य मुक्ति लाभ किए हैं। बोले तो तुम्हें not all of the devotees, because where the hostel, there is very upsetting, too many people are coming, and today, one devotee going enter, and door was working, still entered the bathroom to the door catch him, but fortunately, he get it from dog bite. So they are requesting all who is most essential to come, not to so many people. So I am requesting all, who will take this and they will come, not to all others who are there. And tomorrow, day after tomorrow will be fire sacrifice, air festival, Tirtha Maharaj. Oh, you have not translated? Aaj ke bhalo achen? Bhalo achen? One more thing. Today, one devotee got injured, like injury, taking part in Hosan. So nowadays, Hosan is too much dangerous, and it was especially the young kids. A teenager, they must be careful to take part in Hosan, wanting to show that how great you are in Hosan. Gracias.
With all the flowers in a very, very humble mood and slightly smiling. At that time,
rupees. Through chance to pass along to everyone that is Bombay, this home is so attractive, Krishna can turn the mind of millions of Bombays. So, this form of Krishna, this unparalleled, unprecedented beauty of Krishna is only displayed in the ascended gopis, no one else. So then pray this arise. Then Sri Raghavananda uttered the verse, which later was included by Sri Rupa Goswami, Bhaktar Sarvam Sridhu. Yathom Karam Sosavi, Vishesulas Mayavi. It means that even though there is happiness in all the types of rati, the same type of happiness is not present in every rati. Yathom Karam Sosavi, there is more joy, more happiness in each type of rati successively, one above the other. So this particular verse is called Ulasmai, because it gives the most happiness to Krishna. And when Krishna is most happy, then the devotee, they feel the most happiness. And therefore, this Ulasmai Rati, or Madhura Rati, Gopis of Vrindavan, this is superior to all. To all the people who are in difficult schools, we have to raise our hand. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमो महा कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवतिसे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय सदभक्ताय यं प्राव्रजन्तमनुप्रेतमपेतकृत्यं दैपायं विरहकातरया पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् त्वयैवास्मि त्वयैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नय मां शरणम्। मैं सर्वप्रथम अपने परमाराध्यतम ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सात श्रीमद भक्ति प्रज्ञान के केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवती प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में भी कोटि कोटि बार दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात हम लोग रामानंद संवाद में इधर आएंगे। रामानंद जी ने बतलाया ब्रजवनिताओं का गोपियों का प्रेम ही साध्य सार है। महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए और महाप्रभु जी ने कुछ और कहने के लिए कहा तो राय रामानंद जी बतला रहे हैं
कृष्ण प्राप्ति उपाय बहुविध है। कृष्ण प्राप्ति तारतम्य बहुत आछ। कृष्ण प्राप्ति के बहुत से तारतम्य हैं। कोई भी साधन के द्वारा कृष्ण को प्राप्त करता है, किंतु सब प्राप्त करना एक समान नहीं होता। जैसे ब्रह्मवादी लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और सुख स्वरूप में उनकी ब्रह्म रूप में प्राप्ति करते हैं। क्यों? इसलिए प्राप्ति करते हैं कि कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है, जो हमारा जो जिस प्रकार से भजन करेगा हम उसी रूप में उसका प्रतिदान देंगे। इसलिए यदि वो कृष्ण को ब्रह्म के रूप में ही उपासना करते हैं तो वो कृष्ण ही कोई प्रकारांतर रूप में प्राप्त करते हैं, किंतु उनकी अनुभूति को भगवान नष्ट कर देते हैं और नष्ट करके ये उनके अंदर में बैठा देते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ और मैं ब्रह्म सुख स्वरूप हूँ। जो लोग ऐश्वर्य मार्ग से भक्ति करते हैं वो उनकी गति वैकुंठ में देते हैं। वैकुंठाधिपति नारायण भी अलग नहीं है, वो कृष्ण ही है। उसका अतिरिक्त और भी प्रेमी भक्त हो, हनुमान जैसे तो जैसी आराधना करते हैं, उनको अयोध्या धाम में साकेत धाम में राम के रूप में मिलते हैं। और भी ऐश्वर्य और माधुर्य कुछ कुछ यदि हो तो द्वारका और मथुरा में भी मिलते हैं। इसके अतिरिक्त भी शांत दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर, ये पांचों रस के सेवक लोग कृष्ण के ही सेवक हैं, किंतु सबकी प्राप्ति एक समान नहीं है। उस प्राप्ति में तारतम्य है, उनकी ममता में तारतम्य। यशोदा के ममत्व के संबंध में, सखाओं के ममत्व के संबंध में मैंने बतलाया है, तो इनको कृष्ण ही प्राप्त होते हैं, किंतु होने पर भी सबके कृष्ण एक नहीं है, उसमें कुछ अंतर है। गोपियां भी कृष्ण को माधुर्य रूप में प्राप्त करती हैं, किंतु गोपियां कितनी प्रकार की हैं? करोड़ों प्रकार की। तो सबका कृष्ण की प्राप्ति एक ही समान होता है? ऊपर से मालूम पड़ता है जी एक ही भाव गोपी भाव से, किंतु गोपियों के प्रेम के और ममत्व के तारतम्य से कृष्ण की प्राप्ति में भी तारतम्य है। तो इसीलिए कह रहे हैं जैसे चंद्रावली कृष्ण को प्राप्त करती है, राधा जी भी प्राप्त होती हैं, दोनों में एक ही भाव है। राधा जी में मधुर स्नेह है और चंद्रावली में घृत स्नेह है, और उससे ही वैसी रति उनकी बनती है, वैसे उनके भाव महाभाव और आगे की स्थितियां बनती हैं। इसलिए चंद्रावली का मिलन और राधा जी का मिलन एक नहीं है। वैसे ललिता विशाखा इत्यादि को भी समझ लेना चाहिए। इसलिए कहते हैं कृष्ण प्राप्ति तारतम्य बहुत अच्छा। एक ही कृष्ण को सभी प्राप्त कर रहे हैं, किंतु उनके प्राप्ति में तारतम्य है, ममता में तारतम्य होने के वजह से, सेवा की वासना में तारतम्य होने से। जैसे उनकी सेवा की वासना होगी उतने ही उनकी ममता अधिक होगी। सब यदि ललिता विशाखा कृष्ण विरह में राधा जी को समझा रही हैं तो समझाने की स्थिति में है, पागल हो नहीं हो गई, इसलिए राधा जी से उनका कम है।
जो राधा जी को समझा रहे हैं। इसी तरह से तारतम्य को अच्छी तरह से समझना चाहिए। किंतु जार जय रस से ही सर्वोत्तम, यहां तक जो मैंने बतलाया, ब्रह्मवादी अपने सुख को सर्वोत्तम मानते हैं, अपने रस को। ब्रह्मवादी भी जो कृष्ण को पा लिया है, वो देखते हैं कि मैं ब्रह्म को सुख स्वरूप दर्शन कर, मैं सुख स्वरूप हूं, ब्रह्म सुख स्वरूप है। लक्ष्मी नारायण की उपासना करने वाले परव्योमी के जो भक्त हैं, वो अपने को ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। उसी प्रकार से शांत दास सख्य वात्सल्य और मधुर रस वाले भक्त, जो जिसमें आविष्ट और सिद्ध हो चुका है, उसी को ही, उसे वो आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे जसोदा मैया, वो उनका पुत्र है, लाल्यपाल्य है, इसे अतिरिक्त और आगे नहीं बढ़ेंगी गोपियों जैसे नहीं होगी। वो अपने रस को ही सर्वश्रेष्ठ समझती हैं, वो दूसरे रस में जाना नहीं चाहे। हनुमान दिन रात सेवा करते हैं अपने रस में, पांडवों जैसे नहीं हो सकते, किंतु जिस रस में है, पांडव आने पर भी, गरुड़ आने पर भी, हनुमान जी द्वारका नहीं जाएंगे। कृष्ण के कहने पर ध्वजा में केवल रह सकते हैं, पृथक रूप में वो जाकर के उनकी सेवा करेंगे ऐसा संभव नहीं है। एक समय किसी कारण से कृष्ण ने गरुड़ को भेजा, जाओ कृष्ण बुला रहे हैं तुम्हें द्वारका में, और ये किम पुरुष में थे, राम राम मंत्र जप रहे थे, बड़े प्रेम से रो भी रहे थे। तो गरुड़ को भेजा तो उन्होंने कहा जब अभी हम नहीं आएंगे, इनकार कर दिया। तब कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी तुम तुम सीता बन जाओ और मैं राम बन जाता हूँ। और गरुड़ जी को कहा जे जाओ उनसे कहो जे राम बुला रहे हैं। झट हो गए और उन्होंने कहा जे आपको राम बुला रहे हैं, कहाँ, द्वारका में। हनुमान जी ने कहा जे हमारे पीठ पर चढ़ाओ, कहा जे पीठ पर चढ़ने नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ, चलिए। तो वो गरुड़ जी चले और उनसे पहले पहुँच गए और राम सीता को प्रणाम करके जब रास्ते में आ रहे थे तो पीछे से गरुड़ जी मिले। ये एक निष्ठा है, इसलिए अपने इष्ट देव में हनुमान जैसे निष्ठा होनी चाहिए, गोपियों जैसी निष्ठा होनी चाहिए। ऐसी निष्ठा नहीं होने से भगवत भक्ति की कमी है। ततस्थ हैया आछे तरतम, जो जिस रस में है उसी को सर्वोत्तम मान करके उसको वो छोड़ना नहीं चाहता है, उसी रस में भगवान की सेवा करना चाहता है। किंतु तटस्थ होकर के विचार करने में कुछ तारतम्य है। तटस्थ माने क्या? सबको एक बराबर समझने वाला, तटस्थ होकर के। तटस्थ माने तट के ऊपर में खड़ा होकर के, किसी एक में नहीं रहे, न्यूट्रल स्टेट, न्यूट्रल रूप में रहे, तो उसके लिए तारतम्य है। कैसे तारतम्य है? जैसे श्रीमद् भागवत, इसमें सुखदेव गोस्वामी ने प्रारंभ से, प्रथम स्कंद से, ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश महाराज अजामिल उपाख्यान दुर्वासा और अम्बरीश, और इसके बाद में कृष्ण लीला का वर्णन किया। कृष्ण लीला में प्रथम जन्म में वात्सल्य रस का वर्णन किया, इसके बाद में पौगंड रस में शाखाओं के साथ में रस का वर्णन किया, और ऊपर चलते हैं तो वात्सल्य रस का, दामबंधन इत्यादि लीला करते हैं, और
और ऊपर जब चलते हैं तो तासाम आविर्भूत सौरी स्मान मय मुखाम्बुजा पीताम्बर धर सगव साक्षात मन मत मनमत। गोपियों के साथ में मनमत कृष्ण का वर्णन और गोपी भाव में आविष्ट हो गए। वहां पर गोपियों की प्रतिष्ठा की, उनका महात्मा वर्णन किया, तत्स्थ होकर के वर्णन किया। यदि वे गोपी भाव में रहते सब समय तब उनके लिए वर्णन करना असंभव था ये ध्रुव प्रहलाद और ये सब का चरित्र न। पूर्व पूर्व जत्था जथोत्तरम असौ स्वाद विशेष उल्लासमयपि रतिर वासनाया स्वाद्वि भासते क्वापि कचित। उल्लासमय रति एक दूसरी से पहले की अपेक्षा दूसरी को श्रेष्ठ बतलाते हैं। उल्लासमय रति, रति की वासना से जैसे उसकी रति होती है वैसे ही वास्वादनीय होती है। कैसे, इसी को बतला रहे हैं। पूर्वे पूर्वे रसेर गुण परे परे हय, एक दुई गणने पंच पर्यंत बढ़ाए गुणाधक स्वादाद।